ताजा मामला नोएडा के गार्डन गैलेरिया से आया है, जहां पर दो पक्ष एक दूसरे पर लड़कियां छेड़ने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लड़कियां छेड़ने के साथ एक दूसरे की बुरी तरह से मार पिटाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों के पास क्लब्स में पार्टी करने के बाद लड़कियों से छेड़छाड़, झगड़ा और मारपिटाई करने के अलावा कोई और काम नहीं बचा है। कितने केसेस ऐसे आ चुके हैं जहां पर लोग पार्टीज करने के बाद अक्सर या तो सड़कों पर लड़कियों से बदतमीजी करने निकल जाते हैं या फिर एक दूसरे की लात घूसों से बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। गार्डन गैलेरिया मामले में एक लड़की आरोप लगा रही है कि दूसरे पक्ष के लड़कों ने आकर उससे उसका रेट पूछ लिया, जिसके बाद लड़की फूट फूट कर रोने लगी और मामला बुरी तरह मार पिटाई पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, दूसरे ग्रुप की लड़की ने अपने डीएसपी पापा से उन पर झूठा केस लगवाने की भी धमकी दे दी और जब पुलिस आई तो दूसरा पक्ष आरोप लगाने लगा कि पहले पक्ष के लड़कों ने उनकी ग्रुप की लड़की का हाथ पकड़ा था। यानी कि कुल मिलाकर दोनों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। एक लड़का था जिसने उसने मेरा रेट पूछा और मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने लेवर के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले लेकर आए मुझे, उसमें वो लड़की दबदबा दिखाने लगी कि मेरे मामा डीएसपी, मेरे पापा डीएसपी। हमने बोला कि डीएसपी से कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारे जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। इससे किस हस्बैंड को, किस देवर को गुस्सा नहीं आएगा? उन्होंने गुस्सा किया उस मुझे बोला, और मेरे साथियों को, मतलब मेरे साथी क्या, मेरे देवर को बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम बाहर जाओ और उन लोगों को अब वीडियो दिखाओ, सारे साथ में है और हम लोग बाहर हैं क्योंकि हमारी कोई कंप्लेन लिखने को तैयार नहीं है। यही है योगी कर साहब, यही है योगी का इंजाम, योगी आदित्यनाथ, यही नोएडा साइबर सिटी। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी जनरेशन ये कौन से वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रही है जहां पर पार्टीज करने का मतलब सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, हुड़दंगबाजी, शोशेबाजी और मारपिटाई रह गई है। क्लब्स इसलिए नहीं बने हैं कि आप वहां पर दारू पीकर मारपिटाई करें, लड़कियां छेड़ें। क्लब्स इसलिए बने हैं ताकि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर कुछ इंजॉयमेंट कर सके, अपने दोस्तों के साथ अपना माइंड फ्रेश कर सके। लेकिन नहीं, लोग इसे सिर्फ लड़कियों को छेड़ने, लड़ाई झगड़े का एक जरिया समझते हैं और फिर आप आरोप लगा देते हैं सरकार पर कि सरकार ही इन सब की जिम्मेदार है। और जब एक बार सरकार पर आरोप लग जाए तो विपक्ष भी उसमें हाथ धोने पहुंच ही जाता है। सपा ने इसी घटना पर ट्वीट कर बीजेपी की योगी सरकार को घेर लिया। सपा ने योगी का जंगल राज कहते हुए आरोप लगाया है कि सरेआम यूपी में बहन बेटियों से उनका रेट पूछा जा रहा है। सीएम योगी पुलिस केस दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले की लीपापोती करती है। अब आप एक बार सोच कर देखिए, जब तक आप क्लब पार्टीज को लेकर अपनी सोच, अपने मायने और अपने ढंग नहीं बदलेंगे तब तक सरकार इसमें क्या कर सकती है? अगर हम एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर दें तो ये मसले तो अपने आप हल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।